Now sharing a best recipe of summer. Let's go for demo. तो गाइस ये है लौकी और आज मैं लौकी से कुछ बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने लौकी ले ली है एक और इसको सिंपली पील कर लिया है और पील मैंने पहले से कर लिया था। ये इसके छिलके इस तरह से स्ट्रेट मैंने पीलर की मदद से उतार दिए हैं और फिर ये लौकी ली है इसको कर दिया है कट। इसको हम और इस तरह काटेंगे फिर इसकी स्लाइसिंग कर लेंगे। तो फिर इस तरह से पीसेस काट लिया है। अब इसको हम डालेंगे स्टीम। अच्छा ये सारी लौकी मैंने काटने के बाद डाल दी है एक पतीले में, साफ़ सुथरे पतीले में, और मैंने इसको छीलने के बाद धो लिया था इसलिए दोबारा नहीं धोया है क्योंकि साफ़ है वरना इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी डाल दिया है और बहुत ज़्यादा पानी में बॉयल नहीं करेंगे इसको, आधा गिलास पानी में स्टीम कर लेंगे। जब ये गल जाएगी निकाल लेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा पानी बॉयल करने से ज़ाया करना पड़ता है तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। तो कोशिश करें इसको थोड़े से पानी में ही स्टीम कर लें। तो फिर मैं इसको स्टीम पर रखती हूँ स्लो हीट पर जब तक ये गल जाए। अब यहाँ मैंने रख दिया है लौकी को स्टोव पर, मतलब इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और इसमें मैंने सिर्फ पानी डाला है, सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो मैं कर दूँगी कवर, फिर इसमें स्टीम बनेगी और फिर जब ये इसके साइड्स को चेक करेंगे हम, जब ये गल जाएंगे फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें ये हो गई है, गल गई है ना, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला था, इसको हम रहने देंगे क्योंकि अगर दही ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसमें डाल देंगे। इसको चमचे से कर देंगे थोड़ा सा मैश, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, स्लाइटली मैश कर देंगे। इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। बहुत ज़्यादा इसको स्मूथ नहीं करेंगे, थोड़ा फुटकी वाला रहने देंगे। ये आ गया, दही में होता है। इसमें डालेंगे अब रेड चिली, सॉल्ट, मिक्स। पानी डाल दूँ, पतला हो जाएगा है ना, इसको नमक खाला पड़ेगा। इसलिए ये धोके लग गई।
तो ये हेल्दी सा रायता तैयार है, लौकी का रायता। और आप चाहें तो इसमें ज़्यादा लौकी डाल सकते हैं, और वैसे ये इनफ है। मैंने डाली है इसमें लगभग हाफ़ के जी से थोड़ी ज़्यादा थी, 1 kg योगर्ट में। तो ये हमारा हेल्दी रायता तैयार है, मस्ट ट्राई करें, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेल्दी और इफ़ेक्टिव होता है। और जिन लोग को डाइट पर जाना होता है वो ये रेसिपी इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, तो कब्ज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।